नमस्कार दोस्तों, अनिल टाइगर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी नई वीडियो बनाएं हम उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, टीचिंग और नॉन टीचिंग के 2370 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों, जो भी इसमें फॉर्म भरने के इच्छुक हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आपको पूरी प्रक्रिया को हम समझाते हैं। 10 जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया, 5 से 10 सितंबर के बीच परीक्षा संभव। जयपुर जवाहर नवोदय विद्यालय में 2148 शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 10 जुलाई से शुरू होंगे। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जारी पदों की भर्ती में 470 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT, 1154 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT एवं 564 विविध श्रेणी के शिक्षक के पद शामिल हैं। इसके साथ नवोदय विद्यालय समिति ने शैक्षणिक पदों के साथ गैर शैक्षणिक के असिस्टेंट कमिश्नर, फीमेल स्टाफ नर्स, लीगल असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर भी भर्ती निकाली है। समिति की ओर से इस प्रकार कुल 2370 पदों पर भर्ती होगी। घोषित पदों का विवरण आपको समझाने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT के 1154 पद हैं, परा स्नातक शिक्षक PGT के 430 पद हैं, विविध विषय शिक्षक 564 पद, संगीत कला PGT पुरुष, PGT महिला, लाइब्रेरियन, लोअर डिवीजन क्लर्क के 135 पद, फीमेल स्टाफ नर्स के 55 पद, कैटरिंग असिस्टेंट 26 पद, असिस्टेंट कमिश्नर के 5 पद, लीगल असिस्टेंट के 1 पद। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त, शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 12 अगस्त, परीक्षा की संभावित तिथि 5 से 10 सितंबर। तो अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट www.navodaya.government.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया है इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की, आप समझ चुके होंगे दोस्तों। तो आप जो भी इसके इच्छुक हैं वो सभी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। 5 से 10 सितंबर के बीच इसका एग्जाम संभव है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।